कि क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट जो बच गया था प्रॉब्लम उसको आज सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। इंटरेस्टिंग मतलब बनाना है इस प्रॉब्लम को, एक एक प्रॉब्लम को अपने तरीके से बनाना है। मैथ, ये जो मैथ है ये जो फार्मूला बेस है, आप फार्मूला याद रखिएगा तो मैथ बनेगा। अभी हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, हम बोर्ड पर लिख के रखे हुए हैं। ये दोनों इजी स्टेप है, सब इजी है, ये सब यहाँ। अब ये इस क्वेश्चन को देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टेन 60 माइनस टेन 30 वन प्लस टेन 60 इंटू टेन 30 इजकल टू टेन 30। दोस्त पता है टेन 30 का मान कितना है? टेन 30 का मान है जाके 1/√3। टेन 30 का मान कितना है? 1/√3। और टेन 60 का मान कितना है? √3। √3 माइनस टेन 30 1/√3 बटे में 1+√3 और इंटू 1/√3 लाना कितना है? 1/3 LHS। अब यहां देखिए कुछ नहीं तो वन है, यहां पे देखें √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3 में यहाँ पे आएगा 3। इस प्रकार से भिन्न का जोड़ बनाएंगे, ये दोनों कट गया, क्या बचा? 1+1 है ना, 1+1 यानी 2, यहाँ पे है 1/√3। यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा, 2/√3 और बटे 2/1 1/√3। यहाँ पे देखिए 2/√3 गुने 1/2 इजकल टू 1/√3। दो दो कट गया, क्या बचा? 1/√3 इजकल टू 1/√3। हम जितना प्रॉब्लम बनाएंगे उतना ज्यादा ज्यादा सीखने का प्रयास करेंगे, अपने आप आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन स्वतः बना लीजिएगा, खुद अपने आप ट्राई कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट इससे भी इजी क्वेश्चन एक क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में से एक लेते हैं। साइन 60 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 45। अब साइन 60 का मान देखिए क्या है? √3/2 और इंटू कॉस 45 का मान है 1/√2 प्लस कॉस 60 का मान है 1/2 इंटू साइन 45 का मान है 1/√2। इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? √3 2√2 प्लस 1/√2। अगर ये दोनों को लघुत्तम लेंगे 2√2 यानी एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 2√2 इसमें से इसमें डिवाइड किए तो एक आया 1/√3 + 1 यही आएगा। अब इतना को क्या करेंगे? ये आंसर हो गया, अगर ये आंसर हो गया लेकिन आप अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो एक्सपोनेंट एनालिटिकल के मेथड से 2√2 × 2√2 को ऊपर नीचे क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को गुना करेंगे और उसके बाद ये लिखेंगे क्या होगा? 2 तो हो जाएगा 2 और 3 × 2 = 6 प्लस 2√2 गुना होगा तो, और यहाँ 2 × 2 = 4 × 2 यानी क्या होगा? 2 कॉमन हो जाएगा √6 + 2 और बटे में क्या? 8, 2 × 4 = 8 यानी √6 + 2/4 इसका आंसर हो सकता है। यानी आंसर यहीं पर है। अब नेक्स्ट को यहाँ पे 2 आएगा, क्या होगा? ये दोनों में 2 आएगा, ये तो 2 निकल गया दोनों में, तो कॉमन कम क्या आ गया आपका? ये 6 और 2। अब इस प्रकार से इसको यहीं पर आंसर लिखने दिया जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बनाते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन लेते हैं। ये हो गया सॉल्व, सेकंड बना लीजिएगा। अब सेकंड में से देखिए क्या है, 2 sin²30 इंटू 10 60 माइनस 3 cos²60 इंटू sec²30। 2 इंटू sin²30 का मान 1/2 के होल स्क्वायर इंटू tan 60 का मान √3 और माइनस
थ्री इंटू कॉस 60, कॉस 60 का मान 1 बाई 2 की होल स्क्वायर, और सेक 30, सेक 30 का मान 2 बाई रूट 3 के होल स्क्वायर, 2 इंटू 1 बाई 4 इंटू रूट 3 माइनस 3 इंटू 1 बाई 4 इंटू 4 बटे 3, 4 4 खत्म हो गया, 3 3 यहाँ खत्म हो गया, यहाँ पे 2 दूनी 4 यानी रूट 3 बटे 2, माइनस क्या है 1 है, माइनस क्या है 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1 बचा, 3 3 9 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1, जी सही है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 2, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 बचेगा यानी रूट 3 माइनस 2, इतना ही आपका आंसर आ गया। अब इस प्रकार से ये दोनों आप सॉल्व कीजिए। अब इसमें क्वेश्चन का आते हैं थर्ड क्वेश्चन को, देखते हैं ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब ये इस क्वेश्चन में चला गया, अब देखिए क्या है, tan 45 बाई cos 30 प्लस sec 45 cot 45 माइनस 5 sin 90 टू cos 0। tan 45 का मान कितना है, tan 45 का मान है 1, और cos 30 का मान कितना है, cos 30 का मान है 2, यहाँ पे sec 45 का मान कितना है तो रूट 2, और cot 45 का मान कितना है तो 1, माइनस 5 इंटू साइन 90 का मान कितना है, साइन 90 का मान है 1, और 2 इंटू cos 0 का मान कितना है 1, cos 0 का मान कितना है 1, 1 बाई 2 प्लस रूट 2 बाई 1 माइनस 5 में से गुणा करेंगे, 5 2 में से गुणा करेंगे तो 2, यहाँ पे 2 1 का लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, 2 1 2 का लघुत्तम लेंगे तो 2, 2 में 2 से भाग देंगे 1, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, 1 में 2 से भाग देंगे 2, 2 में रूट 2 से गुणा करेंगे 2 रूट 2 माइनस 2 1 5, अब क्या होगा माइनस 5 में से 1 जाएगा तो क्या होगा माइनस 4 यानी 2 रूट 2 माइनस 4 बटे 2, ये आ गया यहाँ पे आंसर, ये बन गया। अब ये नेक्स्ट आप बढ़ा लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 30 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा इंटू 2 साइन थीटा, पहले एलएचएस लेके चलेंगे, एक क्वेश्चन को देखते हैं क्या है कि साइन 2 थीटा है ना आजकल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस में क्या है, एलएचएस में साइन 2 थीटा, थीटा की जगह पे कितना रखना है आपको, साइन 2 इंटू थीटा यानी साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान आपका कितना है तो रूट 3 बाई 2, बच्चों लोग कितना है रूट 3 बाई 2। अब आरएचएस की मैं बात करूं तो देखता हूं क्या है, 2 साइन थीटा की जगह पे रखना 30 डिग्री, ध्यान में रखिएगा, और कॉस थीटा की जगह पे भी रखना 30 डिग्री, 2 इंटू साइन 30 का मान कितना है 1 बाई 2 इंटू कॉस 30 का मान कितना है रूट 3 बाई 2, है ना, तो 2 2 कट गया रूट 3 बाई 2, क्या बच गया रूट 3 बाई 2, एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया, एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया, है ना, अलग अलग करके भी बना सकते हैं। हम इस सेकेंड क्वेश्चन को भी देखते हैं, क्या है, कॉस 2 थीटा इजकल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजकल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए कॉस 2 थीटा, कॉस और 2 इंटू थीटा का मान 30 डिग्री, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मान 30 डिग्री माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 60, कॉस 60 का मान क्या है रूट 3 बाई, कॉस 60 का मान कितना है 1 बाई 2, और कॉस 30 का मान रूट 3 बाई 2 है ना, कॉस 60 का मान 1 बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 का मान रूट 3 बाई 2, 2 इंटू रूट 3 बाई 2 के होल स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस साइन 30 के मान 2 इंटू 1 बाई 2 के होल स्क्वायर, कॉस 60 के मान कितना है 1 बाई 2, 1 बाई 2 लाना है कितना 1 बाई 2, एलएचएस ले, तीनों को प्रूफ कर दिए, एलएचएस एमएचएस आरएचएस है ना,
अलग अलग करके बना सकते थे, इतना का निकालते इतना का निकालते, जैसे वो पहला क्वेश्चन में से बनाए हैं, अभी इस क्वेश्चन में से बना रहे हैं ना। क्या है, टू इन टू थिंटिया नौ, रूट में रहेगा नौ, टूटेगा कितना आ जाएगा, थ्री, थ्री वटे टू टू नी चार, माइनस वन एजकल टू वन, माइनस टू गुने एक वटे चार, डूडूनी चार, यहाँ डूडूनी चार, एक वटे टू इजकल टू तीन बटे टू माइनस वन इजकल टू वन माइनस एक वटे टू। अब यहाँ पे देखिए एक वटे दो इजकल टू तीन दो एक के लघुत्तम दो, एक के लघुत्तम दो, दो एक के लघुत्तम दो, एक तीन माइनस दो इजकल टू दो, दो माइनस एक, यहाँ पे क्या आएगा एक वटे दो इजकल टू एक वटे दो इजकल टू एक वटे दो, तीनों बराबर हो गया। यानी एल एच एस मिडिल टर्म फैक्टर एम एच एस और इजकल टू आर एच एस। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लीजिए, अब आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन क्या है, ए का मान 60 डिग्री, बी का मान 30 डिग्री, साइन ए का मान 60 बी का मान 30, साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30। यहाँ पर देखना क्या है, साइन 60 में से 30 जाएगा तो 30 आ जाएगा, और साइन 60 अब यहाँ पे मान पुट करते हैं, साइन 60 का मान है रूट थ्री बाई टू, और कॉस 30 का मान भी है रूट थ्री बाई टू इंटू कॉस 60 का मान 1 बाई टू, और साइन 30 का मान 1 बाई टू, साइन 30 का मान कितना है 1 बाई टू, तीन तिया नौ, नौ का रूट तोड़ेंगे तीन, तीन बटे चार इंटू एक बटे चार, एक बटे दो, चार चार के लोगों तो कितना आएगा चार, तीन माइनस चिन्ह है यहाँ पे माइनस कर देंगे, तीन माइनस एक क्या हो जाएगा एक बटे दो बराबर दो बटे चार, दो टू नहीं चार, एक बटा दो बराबर एक बटा दो, एल एच एस बराबर आर एच एस, यहाँ एल एच एस जरूर लिखेंगे, यहाँ आर एच एस जरूर लास्ट में मेंशन करेंगे। अब एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन देते हैं, कुछ बनाने के लिए बनाइएगा। आज मैं क्या एक बात कहना चाहूँगा वास्कुलर्स एकेडमी के चैनल के माध्यम से, कि मार्केट में बहुत सारे बुक हैं, उस बुक से प्रॉब्लम आप ढूंढिए बनाइए, यहाँ पे हम कुछ प्रॉब्लम दिए हैं उसको भी बनाने का प्रयास कीजिए। आप जितना प्रॉब्लम बनाइएगा उतना इजी आपका ट्रिग्नोमेट्री होती जाएगा, स्ट्रांग होगा, मार्क्स ज़्यादा आएंगे एग्जामिनेशन में, समय कम लगेगा, ये प्रैक्टिस का चीज़ है, आप प्रैक्टिस कीजिए। अब इसमें से कोई क्वेश्चन बनाते हैं हम, पहला एक क्वेश्चन ऊपर का लेते हैं फिर एक क्वेश्चन बीच में कर लेंगे। चलिए आपका है बहुत चीजिए, साइन 60, साइन 60 का मान कितना है तो रूट थ्री बाई टू, और कॉस 30 का मान कितना है रूट थ्री बाई टू, कॉस 60 का मान कितना है 1 बाई टू, और साइन 30 का मान कितना है 1 बाई टू, तीन तीया नौ, नौ के तीन, तीन बटे चार प्लस एक बटे चार, चार चार का लघुत्तम चार, तीन प्लस एक चार बटे चार कितना आ गया एक। इस प्रकार से पहला सॉल्व हो गया। अब आपको हम नाइन्थ क्वेश्चन को लेते हैं, है ना, नौवां क्वेश्चन को ऊपर हम, चलिए ये तीन क्वेश्चन तो इजी है हम साफ करते हैं, अब बीच में से कोई क्वेश्चन लेते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं जो साइन क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 प्लस 4 टेन स्क्वायर 30 प्लस 1 बाई टू साइन स्क्वायर 90 माइनस 2 कॉस स्क्वायर 90 प्लस 1 बाई 24 कॉस स्क्वायर 0। नीचे से एक क्वेश्चन लेने के लिए हम बोले थे, नीचे से एक क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। अब इस क्वेश्चन बाकी जो क्वेश्चन है आप खुद सॉल्व कीजिए, आपसे सॉल्व होना चाहिए इतना प्रॉब्लम के बाद। साइन 30, साइन 30 का मान 1 बाई टू, 1 बाई टू के होल स्क्वायर इंटू कॉस 45 का मान, कॉस 45 का मान 1 बाई रूट टू के होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 बाई रूट टू के 4 इंटू टेन 30, टेन 30 का मान 1 बाई रूट 3 के होल स्क्वायर प्लस 1 बाई टू इंटू कॉस साइन 90, साइन 90 का 1 1 के स्क्वायर माइनस 2 कॉस 90, कॉस 90 का जीरो, जीरो के स्क्वायर प्लस 1 बाई 24 कॉस
जीरो कॉस जीरो का क्या होगा वन, वन का स्क्वायर, वन बाई फोर इंटू वन बाई टू प्लस फोर बाई थ्री, एक में एक से करेंगे तीन तीन और नौ के तीन, चार में एक से गुणा करेंगे चार, प्लस एक बटा दो माइनस जीरो, जीरो खत्म हो गया, कुछ नहीं, इतना का पार्ट्स खत्म हो गया, पूरा क्या हो गया गया, क्योंकि टू में जीरो से गुणा करेंगे जीरो, जीरो का कोई ये नहीं होता है, वन बाई ट्वेंटी फोर। अब यहाँ पे देखिए एक बटे आठ प्लस चार बटे तीन प्लस एक बटे दो प्लस एक बटे चौबीस, बाकी आप नीचे का एलसीएम लेके आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, फोर्थ क्लास के बच्चे भी कर सकते हैं इस चीज को। अब नीचे की बात, एक क्वेश्चन है, ये खुद सॉल्व कीजिए यार, नीचे वाला भी आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, खुद सॉल्व कीजिए इसको भी। यहां देखिए एक का मान 30 डिग्री टेन टू ए, टू टेन ए बाई वन माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन टू इंटू थर्टी, टू टेन थर्टी वन माइनस टेन थर्टी के स्क्वायर, टेन स्क्वायर थर्टी, टेन थर्टी, टेन सिक्सटी का मान कितना आता है रूट थ्री, क्योंकि ये टेन सिक्सटी हो गया, इसका मान कितना हो गया रूट थ्री। यहाँ पे टू इंटू टेन थर्टी का मान वन बाई रूट थ्री, यहाँ वन माइनस, वन माइनस रूट थ्री के होल स्क्वायर, टेन सिक्सटी का मान कितना आ गया था रूट थ्री, टू बाई रूट थ्री वन माइनस वन बाई थ्री, रूट थ्री यहाँ पे है ना, इजकल टू टू बाई रूट थ्री, यहाँ पे क्या होगा तीन तीन के लघुत्तम तीन, एक के लघुत्तम तीन, तीन में से एक जाएगा दो, यहाँ पे फिर वही बात हो गई, रूट थ्री इजकल टू टू बाई रूट थ्री इंटू थ्री बाई टू, टू टू कट गया, थ्री बाई टू रूट थ्री आ गया। रूट थ्री या बाई रूट थ्री करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट थ्री, तीन रूट थ्री, और बटे तीन तीन नौ, नौ के रूट कितना आएगा तीन, तीन तीन कट गया कितना बचा रूट थ्री बाई रूट थ्री। ये एलएचएस यहां लिखेंगे, यहां आरएचएस जरूर करेंगे, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं, अभी इस प्रकार का एक और क्वेश्चन है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। अब यहां पे है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, अब यहां पे है टेन 90 माइनस थीटा, यहां पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यहां पे है कॉस सेक 90 माइनस थीटा, यहां पे हो जाएगा सेक थीटा, यहां पे है sec 90 माइनस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा cosec थीटा, यहाँ पे है cot 90 माइनस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा आपका tan थीटा। ये फॉर्मूला है 90 में से sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। एक क्वेश्चन देते हैं, ये क्या है देखते हैं, यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स पहला कॉस 53 साइन 30, क्वेश्चन क्या है कॉस 53 साइन 30, सेकंड में क्वेश्चन क्या है टेन 68 और cot 22, थर्ड क्या है sec 49 माइनस cosec 41। आप दोनों में से किसी को भी तोड़ सकते हो, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी, हम
या तो 53 आएगा या तो 37 आएगा। 37 90 में से 37 घटाएंगे तो 53 आएगा, और 90 में से 53 घटाएंगे तो 37 आएगा। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, और sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। अगर sin 90 में से 37 घटाएंगे कितना आएगा cos 53, और cos 90 में से 53 को घटाएंगे तो sin 37 आएगा। दोनों में से किसी को भी अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं पहले cos 90 माइनस 37, cos 90 माइनस 37, cos में से 30 कितना घटाएंगे कि 53 आएगा, तो 37 को घटाएंगे, और यहाँ पे क्या आएगा sin 37। cos 90 में से 37 जाएगा तो कितना बचेगा 53, यहाँ पे यहाँ क्या आएगा cos 90 माइनस 37 और sin 37 कट गया, कितना आया 1। एक क्वेश्चन था, बाकी ये जो क्वेश्चन है हम आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरीके से आपको बताएंगे।